1 लीटर दूध चाहिए। ये छोटा वाला कप है, इसके अकॉर्डिंग 2 कप मैंने शक्कर लिया है। और ये 3 स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 स्पून आइसक्रीम पाउडर। अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर ना हो तो ये आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये है चाइना ग्रास येलो एंड ग्रीन, और ये है ड्राई फ्रूट्स। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक घोल तैयार करेंगे, इसमें दूध डालकर ये दोनों पाउडर्स में, और इसके बाद उसको दूध में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आइसक्रीम पाउडर ये वेनिला का, वेनिला। यहाँ पर हमने घोल तैयार किया है। ये कस्टर्ड पाउडर, ये भी दूध में ऐड कर देंगे। ये आइसक्रीम पाउडर, इसे भी दूध में ऐड करेंगे। और साथ में शक्कर भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे गैस पर रखेंगे, पर गैस मीडियम फ्लेम पर हो। और इस तरह ये थोड़ा सा हिलाते हुए इसे बनाना है। यहाँ मैंने ये गैस पर रखा है मीडियम फ्लेम पर, और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाते हैं। अब इसे बीच बीच में हिलाते रहें। देखिए थोड़ा थिक हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा चाइना ग्रास इसमें ऐड कर दें। बाकी का हम बाद में फ्रीज होने के बाद डालेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बस ख्याल रखिए कि नीचे जलने ना पाए। और हम इसकी फ्लेम को बंद करते हैं, और अभी इसे जो भी कंटेनर में, आपको जिसमें भी बाउल में निकालना हो, यहाँ पर इसमें निकालूंगी। यहाँ मैंने इस तरह निकाला है। अब इसे फ्रीज होने के लिए आधा घंटा फ्रीजर में रखेंगे, फिर उसके बाद इस पर ड्राई फ्रूट्स डालना है। पहले थोड़ा ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में रखें। ये हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये है चाइना ग्लास येलो कलर का, और ग्रीन भी है, और इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कस्टर्ड रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।